स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। एज यूजुअल वीडियोस के क्विक एनालिसिस देन अपॉइंटमेंट ऑफ वीडियो चलेंगे, जिसके लिए यहाँ पे एक काफ़ी अमेजिंग प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो कि काफ़ी एक स्टार्टिंग फेज के अंदर है, काफ़ी बड़ी रैंक के ऊपर है, काफ़ी यहाँ पे कम वॉल्यूम है, काफ़ी कम लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में पता है, लेकिन कुछ बड़े नाम इस प्रोडक्ट के साथ जुड़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा फील आ रहा है कि आने वाले टाइम के लिए प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा यहाँ पे गेम देखे जा सकता है। बी टी सी के जैसे जैसे यहाँ पे एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किया, बी टी सी ने काफ़ी हद तक वहाँ पे हमें स्पॉट कर उसी तरह से परफॉर्म किया। अभी यहाँ पे बी टी सी 38,000 की इस तरह की प्यारी स्पॉट लेके बैठा हुआ है, उसको छोड़ने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा। तीन चार बार यहाँ पे आप देखें, जनवरी के अंदर, फिर फेबररी के अंदर, फिर अब मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर बी टी सी ने जी शुगर सा बनाया हुआ है। 38 के ऊपर आता है, फिर से पुच करके ऊपर निकलता है और ऊपर जाके यहाँ पे इसको फिर एक थप्पड़ पड़ता है और वापस नीचे आ जाता है। तो इस एरिया के अंदर जो लोग समझे हुए हैं, तो उनके पास ये 4 महीने थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे पैसे निकाले हैं यहाँ पे इस एरिया के अंदर। अगर आपने नहीं निकाले तो आप आगे निकाल सकते हैं, ट्रेंड को समझें। ट्रेंड जैसे मूव कर रहा है, जब तक कोई बड़ा ब्रेकआउट नहीं होता, तो जो जिस तरह ट्रेंड मूव कर रहे हैं उस तरह मूव करें, इसके आसपास यहाँ पे कहीं बेचना शुरू कर दें 35-45 के अराउंड, और 38 के अराउंड आए तो थोड़ी बहुत बाइंग स्टार्ट कर लें। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम लोग मार्केट कैप की बात करें तो 1.9 ट्रिलियन अच्छा है। मार्केट कैप आज 2.5% से उठा है। यहाँ पे अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो मार्केट पूरी के अंदर 5%, 11% का पंप आया है पिछले 7 दिनों के अंदर। लूना के अंदर अच्छा पंप देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा गेन देखें तो आजकल ये स्टेपन काफ़ी ज़्यादा चढ़ा हुआ है, GMT उसी के अंदर गेन है। उसके बाद APE, ये मैंने आपसे कुछ दिन पहले शेयर किया था, इस प्रोजेक्ट के पीछे पैसा बहुत लगा हुआ है, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर भी लॉन्ग टर्म विजन के लिहाज से भी तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर पैसा पीछे बहुत फेंका हुआ है कंपनी ने, तो उस लिहाज से अच्छा है। एप वो जो NFTs वगैरह भी उन्हीं के चक्कर के अंदर है ये। अगर सबसे कम देखें, जो सबसे ज़्यादा गिरा हुआ, बर्बाद हुआ है, जो बिल्कुल मनरो है, इसमें से अगर कोई आप देखें तो 33 और ये RDO को देखा जा सकता है, इसके ऊपर थोड़ी सी नज़र रखें आप। उसके बाद FTX43 पे पहुंच गया है एडा वगैरह, GMTRT। उसके बाद आप ज़रा ये BCH को देखें, BCH। उसके अलावा कोई इतना ख़ास यहाँ पे है नहीं, जिसके अंदर यहाँ पे कुछ हमें आने वाले दिनों के ना कुछ अच्छा बहुत देखने को मिले, और शोर कोई न्यूज़ शोज आ रही हो तो वो अलग बात है। चलते हैं जी, बात करते हैं मेन टॉपिक की। यहाँ पे एक कॉइन है, उसका नाम है इलेक्ट्रा प्रोटोकॉल। इलेक्ट्रा प्रोटोकॉल बेसिकली आया यहाँ पे XRP के चक्कर के अंदर, के सस्ता, उससे भी ज़्यादा सस्ता काम, उससे भी ज़्यादा फास्ट। बेसिकली इनका जो मेन रोल है या मेन जो इनका पर्पस है जी, वो ये है कि यहाँ पे इट्स कोर पर्पस इज टू बिल्ड अ फास्ट एंड सिक्योर क्रिप्टो करेंसी दैट अलाउज ट्रांजेक्शन टू अकर एट अ कंसिस्टेंटली लोअर देन एवरेज प्रोसेसिंग फी रेट। तो यहाँ पे बस इसी मकसद से आए हैं, और इसके अंदर अगर आप देखें 22,000 का वॉल्यूम है डेली का, बहुत कम वॉल्यूम है। 17 बिलियन की सप्लाई है, जो कि सप्लाई ज़्यादा होनी बनती है इस तरह के प्रोजेक्ट की। उसके बाद मार्केट कैप देखें तो काफ़ी कम है, और फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप भी आप देखें। अब सारी बात है यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर फिलहाल बहुत कम लोग जुड़े हैं, 10,000 लोगों की वॉचलिस्ट में पड़ा है, 800 नंबर पे रैंक कर रहा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ बैकिंग अगर देखी जाए तो यहाँ पे आप देखें बाइनांस सर्च पेपर के ऊपर पड़ा हुआ है, आपको ये मिल जाएगा वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ट्विटर के ऊपर अगर मैं आपको लेके चलूँ, तो ये प्रोजेक्ट ट्विटर के ऊपर आपको यहाँ पे FTX जैसी एक्सचेंज यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को फॉलो कर रही है, द बुल इसको फॉलो कर रहा है, काफ़ी बड़ी रैंक के ऊपर, 800-880 की रैंक के ऊपर ये प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, लेकिन इसको बड़े लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। उसके अलावा भी काफ़ी लोग यहाँ पे इनके फॉलोअर्स के अंदर अगर आप जाएं तो
जो मैं आपको यहाँ पे फॉलोअर्स में चेक करवाऊँ तो यहाँ पे और भी काफी ज्यादा बड़े बड़े नाम आपको नजर आ जाएंगे जो कि इन्हें फॉलो कर रहे हैं। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट के अंदर आप हर चीज नहीं लगा सकते, ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि आप हाँ ले के रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा प्रोजेक्ट अगर चढ़ जाए तो बहुत अच्छे गेंस दे देता है, और अगर डूब जाए तो बस फिर वो किसी का नहीं रहता। लेकिन अगर थोड़े बड़े नाम इसके अंदर FTX, देखिए ना FTX के ऊपर बेसिकली लिस्ट नहीं है, मैं आपको यहाँ पे चेक करवाऊँ, ये अभी तक FTX पे लिस्ट नहीं है, ना ही FTX ने कोई ऐसी वैसी बात की इसको लिस्ट करने की, लेकिन वो उसको फॉलो कर रहा है, वो इसको यहाँ पे फॉलो कर रहा है। हॉटबिट वगैरह पे लिस्ट है, बिटट्रिक्स पे लिस्ट है, इसको बाय शेयर करना हो पैनकेक पे आप जाके कर सकते हैं, बाय वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आप सिर्फ इतना लगा सकते हैं जितना आपको चला भी जाए तो डर ना हो, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप यहाँ पे आप बाय करते हैं और प्रोजेक्ट अच्छा निकल आता है, अच्छी यहाँ पे इसके नाम में मूवमेंट देखने को मिलती है अपकमिंग टाइम के अंदर, फ्यूचर के अंदर, तो फॉर श्योर ये आप काफ़ी अच्छे गेंस देखे जा सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट VNXRP की तरह का है, फास्ट ट्रांजेक्शन, सिक्योर ट्रांजेक्शन, कम से कम फीस, और जैसे जैसे यहाँ पे डेवलपमेंट होंगी, यहाँ पे आप देखें ना इनका जो रोड मैप वगैरह, तो इसके अंदर XRP का ये वॉलेट वगैरह, और इसके ना एक और चीज़ भी है मैंने यहाँ पे देखी थी, अगर मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता जाऊँ तो ये एक ना न्यूज़ भी आने वाली है इनकी कुछ दिन तक, तो ये अगर न्यूज़ आ जाती है तो फॉर श्योर यहाँ से आपको 10-20%, 25-30%, 40% का गेन भी देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर फॉर श्योर आप थोड़ी सी नज़र रख सकते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर दम है फॉर श्योर है, लेकिन प्रोजेक्ट के ऊपर अभी इतनी ज़्यादा लोग जुड़े नहीं है, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आई, तो उस लिहाज से थोड़ा सा एक पॉइंट वो जो है वो थोड़ा सा इसका रिस्की है, अदरवाइज प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी दम है फॉर श्योर, प्रॉफिट ने लो दोनों, आप कैसे सोच समझ के इन्वेस्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।